एक्सीडेंट है, मैं अहमद कामले साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। रेबल ग्रुप कल्याण के प्रेसिडेंट है, टेनिस क्रिकेट पेज चलाने वाले माजिद खरबे हमसे जुड़ चुके हैं। आपका हम आमी के दिल से इस्तकबाल करते हैं। शाहिक अंसारी भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। इस वक्त हमसे अभी अभी जुड़े हैं फाइक अंसारी, जो एसबी स्पोर्ट्स से खेला करते थे और इसी मैदान पर साइक अंसारी जो एसबी स्पोर्ट्स से खेलते हुए इसी मैदान पर जब 3 बॉल में 11 रन चाहिए थे एमगार्ड वॉरियर के सामने, उन्हें 2 बॉल में बनाए थे एमजे ट्रॉफी में। इस वक्त हमसे अभी भी जुड़े हैं नवीद खरबे, खरबे मिल्क सेंटर के प्रोप्राइटर। वेलकम सर, आपका भी इस्तकबाल है एफए ट्रॉफी 2022 में। एमटीसी देखिए, आपको फील्ड सजाना है, बार बार यहाँ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, इस बात का ख्याल रखना है प्लीज। और अभी अभी हमसे जुड़ चुके हैं मुस्लिम भाया, इनका भी इस्तकबाल है, हमारे एक स्पॉन्सर भी है। वेलकम मुस्लिम भाया जी। माजिद खरबे साहब और नवीद खरबे साहब, खरबे मिल्क सेंटर के प्रोप्राइटर हमसे अभी अभी जुड़े। माजिद खरबे जो भिवंडी क्रिकेट पेज चलाते हैं, काफ़ी अपडेट्स इनके थ्रू हमें भी मिलती है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। फौरन खेल को शुरू करना है प्लीज एमटीसी। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए रैबर ग्रुप के अहमद कामले साहब, वेलकम। अंपायर एक मिनट के लिए खेल रोकना है क्योंकि हमारे मौजिज मेहमान इस वक्त तशरीफ लाते हुए चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे रैबर ग्रुप के प्रेसिडेंट है अहमद गुलजार कामले साहब। आपका हम अमी के दिल से इस्तकबाल करते हैं एफए ट्रॉफी में। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे इस वक्त रैबर ग्रुप कल्याण के अहमद गुलजार कामले साहब हमसे जुड़ रहे हैं। हम आपका अमी के दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। आपके साथियों के साथ हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कर रहे हैं। गाड़ी को थोड़ा पार्किंग जोन में ले जाना है। वेलकम अहमद गुलजार कामले साहब, आपका अमी के दिल से इस्तकबाल है आपके तमाम साथियों के साथ। रैबर ग्रुप फलाह व बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ के कल्याण में जो ग्रुप हिस्सा लेता है, उनके प्रेसिडेंट अहमद गुलजार कामले साहब हमारे बीच आ चुके हैं। उनके तमाम साथियों का भी अमी के दिल से इस्तकबाल है एफए ट्रॉफी में, फाइक अंसारी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से। बैक टू क्रिकेट। बिल्कुल, मैच की फौरन शुरुआत करनी है। दोनों ओपनर बैट्समैन इस वक्त बीच मैदान पर आ चुके हैं और एमटीसी के गेंदबाज भी बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पर है इस वक्त डैनियल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है प्रणव। हमेशा से इन दोनों ने ही बल्लेबाजी की शुरुआत की अब तक डीके 588 जितने मैचेस के लिए। नाम थोड़ा सा रद्दो बदल किया गया है,
प्रणव है स्ट्राइक पर पहली गेंद, स्लॉग स्वीप, खिलाड़ी मौजूद डीपी स्क्वायर लेग पर, पहली गेंद पर विकेट और बहुत बड़ा विकेट गिरा है प्रणव के रूप में। घातक बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस मैदान पर 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए थे बीसीसी बोरीवली पड़गा के सामने। अब शून्य पर आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए गेंदबाजी की शुरुआत की थी बबलू ने और बहुत अच्छा कैच पकड़ा वहां पर सोनू ने। देखिए हमने वो पोयम तो काफी सुनी थी, सोनू मोनू टर्न अराउंड, लेकिन यहाँ पर बबलू और सोनू आ गए जिन्होंने टर्न करा दिया बल्लेबाज प्रणव को। इस वक्त एमटीसी को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है क्योंकि उनके 12वें खिलाड़ी ड्रेस में नहीं है। ये 2 रन का पेनल्टी हम एक ओवर के बाद ऐड कर देंगे डीके 588 के खाते में। नए बैट्समैन आए इस वक्त प्रथमेश। बबलू की अगली गेंद, ओहो बिल्कुल जल में रखा था, सम्मान दिया बल्लेबाज ने, हल्के हाथों से खेला, गेंद गई थी डीप मिड विकेट की तरफ, 1 रन दौड़ के पूरा किया, 1 की मदद से अब जाकर खाता खुला है डीके 588 का। प्रथमेश ने अपना भी वहां पर खाता खोला और अब स्ट्राइक पर आए हैं डैनल, देखने क्या डैनल के चैनल में गेंदबाजी कर पाएंगे बबलू। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार ऑन साइड में बड़ा हिट लेना चाहते थे, संपर्क उतना अच्छा नहीं, थोड़ा सा फंबल, लेकिन सिर्फ 1 रन मुकम्मल। जमाल खान थे वहां पर जिनसे मिसफील्ड हुआ था, 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रन। अभी तक शांत रखने में कामयाब रहे हैं गेंदबाज एमटीसी के। आप देख रहे हैं इस वक्त इफे ट्रॉफी जिसे ऑर्गेनाइज किया है स्टार चैलेंजर, अब तक लेकर आए हैं फाइक अंसारी, रसम मोमिन। अगली गेंद, इस बार खेल दिया है लॉन्ग लेग की तरफ, मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास, 4 रनों के लिए गेंद मैदान से बाहर, पहली बाउंड्री आती हुई इस मुकाबले की चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पे पहुंचा है 6 रन। अच्छा स्ट्रोक वहां पर देखने को मिला प्रथमेश के बल्ले से। डीके 588 जो इस सीजन की नंबर 1 टीम अमान स्पोर्ट को हरा कर आई है और 2 मरतबा अमान स्पोर्ट को अब मात दे चुकी है। डीके 588 नंबर 1 टीम है लेकिन डीके 588 के सामने फीकी पड़ जाती है। इस बार शफल होकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद शरीर से टकराई, देखने एम्पायर का क्या फैसला आता है। 1 रन बना, दूसरे के लिए भी पलट चुके हैं ओवर थ्रो के कारण और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे लेग बाय की शक्ल में, 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8, टोटल स्कोर 8। देखने कौन सी टीम होगी लेट या फिर कोई बल्लेबाजी करके दिखाएगा ग्रेट। बबलू एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार स्लॉग करना चाहते थे लेकिन बिल्कुल बल्ले के जड़ से गेंद टकराई, मिस फील्ड, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे और 2 रन पूरे, 2 की मदद से टोटल स्कोर है 10। देखना है अब बबलू कहते हुए बस, 2 रन का जो पेनल्टी दिया गया था अब हम ऐड कर रहे हैं, एक ओवर के बाद टोटल स्कोर थे 10, 2 रन पेनल्टी में के मिला के हो गए 12, एक ओवर के बाद टोटल स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो जो खराब शुरुआत लग रही थी आहिस्ता आहिस्ता से रिकवर कर लिया वहां पर डीके 588 ने, एक ओवर में 12 रन अच्छे स्कोर हम कह सकते हैं क्योंकि डीके 588 की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, उनके पास 3 बाएं हाथ के गेंदबाज हैं ऑर्थोडॉक्स जो गेंदबाजी करते हैं। इस वक्त हमारे मौजूद मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं
नवीद खरबे साहब, खरबे मिल्क सेंटर के प्रोप्राइटर, हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर भी है। माजिद खरबे भी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि भिवंडी क्रिकेट पेज चलाते हैं, और आज के हमारे खसूसी मेहमान रैबर ग्रुप के प्रेसिडेंट अहमद गुलजार कामले साहब, ये भी मौजूद है, जो ज़रूरतमंदों की बहुत मदद करते हैं। और अहमद गुलजार कामले साहब के सभी साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। इसी बीच एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, नो बॉल का इशारा अंपायर का, नो प्लस वन, कुल रन है इस गेंद पर दो, दो की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14-14। रैबर ग्रुप जो कि फ्लाई ओ बहबूद के कामों में बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, इसके प्रेसिडेंट आज अहमद गुलजार कामले साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, अपना कीमती वक्त लेकर आए हैं इस वक्त एफए ट्रॉफी में, और इनके सभी साथियों का भी हम इस्तकबाल करते हैं एफए ट्रॉफी 2022 में। अगली गेंद, इस बार तान दिया है और गेंद मैदान के बाहर, 6 रन, पहला बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ इस वक्त डीके 588 की तरफ से, सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 20-20। प्रथमेश घातक बल्लेबाजी करते हुए, डैनियल ने अभी अपने हाथ नहीं खोले है, डीके 588 दिखाती हुई कि नंबर वन टीम को हरा कर आ रही है। अब आमिर अंसारी भी थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं, अगली गेंद देखने हैं वहां पर दिशाहीन व्हाइट बॉल, एक बार फिर से मुड़ते हुए प्रथमेश के लिए, इस बार फिर से स्लॉग करना चाहते थे लेकिन फुल टॉस गेंद थी, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल, मोहित गेंदबाजी करें दूसरे ओवर में, इस बार फिर से नो बॉल, कहते हैं ना एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पहले ही रन खर्च कर रहे थे मोहित, अब नो बॉल करके फ्री, एक बार फिर से मौका दिया बल्लेबाज को वार करने का, दिखने फ्री हिट पर क्या बड़ा हिट लगाकर हिट होंगे प्रथमेश, अगर डीके 588 इस मैच को जीतती है तो पहली मर्तबा सेमीफाइनल खेलेगी, और अगर एमटीसी जीतती है तो वो भी, दोनों ही टीमों ने इस सीजन में एक भी सेमीफाइनल मैच नहीं खेला है। इस वक्त टोटल स्कोर है 23। इस बार गेंद हवा में है लेकिन खिलाड़ी काफी दूर, एक रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। हमारे बीच रैबर ग्रुप के मोहतरम प्रेसिडेंट अहमद गुलजार कामले साहब हैं, फलाह व बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पूरे महाराष्ट्र में उनकी ऑर्गेनाइजेशन लोगों की मदद के लिए जानी जाती है। लॉब कर दिया है आसमानी तूफानी सिक्सर, गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से जाती हुई 6 रन, अगर चैलेंज के इस इलाके को हम पकड़े तो इसे रेंज रोवर कॉर्नर कहा जाता है, क्योंकि मापुर चेशक में यहाँ रेंज रोवर का डेमो खड़ा रहता है। जबरदस्त सिक्सर आता हुआ, तमाम आपके जितने भी साथी हैं सबका हम अमी के दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं एफए ट्रॉफी 2022 में। गजब का शॉट आया, फिर उड़ाने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक है क्या, कॉटन बोल्ट, ओ
क्या छूटा सपना टूटा, ऊपर से दो रन भी आए, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 33। ओवर नंबर दो का खेल चल रहा है, इससे साबित होता है कि कितनी ओवर समाप्त हो चुके हैं। दो स्कोर है 33। चलते हैं कमेंट्री में राकिब के पास। बहुत बहुत शुक्रिया भावे सर। इस वक्त टोटल स्कोर हम देखें तो 33। एक सेमीफाइनल खेला इस सीजन में डीके फाइव डबल एट ने, सिर्फ एक ही मर्तबा आर्यन चषक में, वो भी लेकिन फाइनल की मंजिल अभी तक नहीं मिली है। देखने क्या इस टूर्नामेंट में वो होगा, लेकिन अभी भी काफ़ी मुश्किल सफ़र है क्योंकि अभी सामने एमटीसी है, इसके बाद युग 11 मालोड़ी से टकराना है जो इस वक्त गजब की फॉर्म में नजर आ रही है, बैक टू बैक दो कप के विनर रह चुकी है। तीसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज सुनील, गेंद हवा में खड़ी हो गई, ललित उसके नीचे और लवली कैच, आउट हो गए बल्लेबाज। प्रथमेश एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ डीके 588 को, क्योंकि बहुत ही घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे प्रथमेश, अब आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। निकने अब किसी बल्लेबाजी को भेजा जाता है डीके 588 की तरफ से। स्कोर इस वक्त 33, विकेट गिर चुकी है दो। अब गेंदबाजी से वापसी करनी होगी एमटीसी को, वरना एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी डीके 588। नए बल्लेबाज आए हैं अमोल, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में। अगली गेंद इस बार जमीनी सारे से खेला है डीप मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, एक रन बना, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, इस एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। सुनील एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद, आगे रखा था बिल्कुल जड़ में, खोद कर निकाला बल्लेबाज ने, एक रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। ओहो खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और दूसरा रन लेने का बहाना हुआ। दो की मदद से टोटल स्कोर है 36। अब 36 का आंकड़ा नजर आ रहा है इन दोनों के टीम के बीच में। सुनील राइट आर्म ओवर द विकेट, खींच के मारा इस बार, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन बना, इस बार दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन अच्छी फील्डिंग, खतरे को महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को रोका, सिर्फ एक रन, एक की मदद से टोटल स्कोर है 37। सुनील इस बार खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड में डिलीवर कर दिया खड़े खड़े बल्लेबाज ने, क्या स्ट्रोक के लिए, वो भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। इस बार गेंद स्लॉट में थी और बल्लेबाज ने भेज दिया उसे दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 43।
इस बार फिर से बल्ला चलाया लेकिन कोई संपर्क नहीं, गेंद पहले उसे टकराने भर के बाद वहीं पर रुक गई। डॉट बॉल, तीसरे ओवर का खेल हुआ खत्म। कुल स्कोर है 43, 43। तीन ओवर के खेल के बाद विकेट गिरी हैं दो। इतने बची हुई 6 गेंद, एक ओवर में और कितने रन जोड़ पाते हैं डीके 588 के दोनों ही बल्लेबाज। जो टीम जीतेगी वो टकराएगी युग 11 मालोड़ी से सेमीफाइनल के मुकाबले में। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज MTC, समय का आपको ख्याल रखना है क्योंकि वक्त बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। हमें ये मेगा फाइनल भी आज खेलाना है, इसके बाद एक और मैच है, इसके बाद मेगा फाइनल, और वक्त अभी हम देखें तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखिए मैच को रोकना है प्लीज, अंपायर 2 मिनट के लिए मैच को रोकना है, और कैमरामैन आपको कवरेज देना है। हमारे जो मौजूद मेहमान इस वक्त VIP डाइस पे हैं, उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले रेबल ग्रुप के प्रेसिडेंट हमारे बीच अहमद भाई मैच देखेंगे, हम उनका हम बाद में इज्जत अफजाई करेंगे। नवीद खरबे साहब हैं, आइए हम नवीद खरबे साहब की इज्जत अफजाई कर रहे हैं फाइक अंसारी के दस्ते मुबारक से, उन्हें ये पुरखलूस शॉल ओढ़ाई जा रही है। खुश आमदीद कहाँ जा रहा है, ये गुलाए मोहब्बत हैं और ये यादगार मोमेंटो FA ट्रॉफी का। बहुत शुक्रिया नवीद खरबे साहब, चलते हैं मैच की तरफ। चौथे ओवर के खेल की शुरुआत होने जा रही है, गेंदबाजी के लिए बुलाया गया इस वक्त। चौथा ओवर लेकर आए गेंदबाज नामदेव, पहली गेंद इस बार खेल दिया है ऑन साइड की तरफ, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है। गेंद गई है थोड़ा वाइडिश डीप मिड विकेट की तरफ, एक रन बना, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन ओवर थ्रो के कारण 2 रन पूरे। ललित वहां पर थोड़े से नाराज हैं। अमोल ने 2 रन बनाए। अगली गेंद इस बार तान दिया अमोल ने, अनमोल स्ट्रोक 6 रन। बहुत घातक बल्लेबाजी कर रहे हैं लगातार अमोल, पिछले मैच में भी बहुत गजब की बल्लेबाजी की थी। ये देखिए रिप्ले दिखाया जा रहा है, गेंद इस बार स्लॉट में दे दिया, फ्रंट लेग को अलग करके बल्लेबाज ने उसे भेज दिया दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए। वहाँ पर इतनी दूर मारा इस गेंद को कि उस गेंद की अब गुमशुदा विभाग में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, वो नहीं लौट कर आने वाली। इस वक्त नई गेंद की मांग की गई अंपायर की तरफ से। बहुत घातक अंदाज में नजर आ रही है इस वक्त DK 588 बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही ग्रेट इनके बल्लेबाज। एक और आसमानी टोला, गेंद आउट ऑफ पार्क हाई एंड सम, लो फुल टॉस गेंद को बड़ी खूबसूरती से भेज दिया 6 रन। DK 588 के जो बल्लेबाज हैं वो रनों की लूटमार मचा रखी है इस
एफए ट्रॉफी में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। डे तोड़ में जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। तीन गेंदे डे तोड़ की बची है। बिल्कुल बाबे सर, देखिए डीके 588 जिनके पास बल्लेबाजी है बहुत ग्रेट, इन्हीं के एक बल्लेबाज प्रणव ने इसी मैदान पर अमान ट्रॉफी में 6 बॉल में 6 सिक्सर लगाए थे बीसीसी बोरीवली पड़गा के सामने। अगली गेंद, गति परिवर्तन, पड़ा भी और बहुत तेजी से जड़ा, स्कोर 6 रन की मदद से आगे बढ़ा। इस बार गति परिवर्तन किया था बल्लेबाज ने, उसे पढ़ लिया, लोअर फिल्टाउस बना के बहुत ही खूबसूरत स्लॉक कर दिया 6 रनों के लिए और सिक्सर की हैट्रिक पूरी कर ली यहाँ पर अमोल ने। एक बार फिर से अमोल ने सिक्सर का हैट्रिक पूरा किया है। इस बार गेंदबाज थे रिजवान, इस बार फिर से उसी तरह स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद पैरों से टकराई, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। ओहो, ये देखिए वहां पर ललित यादव के हाथ से मौका छूटता हुआ रन आउट का। बल्ले का किनारा लगने के बाद गेंद पैरों से टकराई थी, इन 2 रनों की मदद से टोटल स्कोर है 65-65। इस टूर्नामेंट को आप देख सकते हैं प्रिंस मूवीज के चैनल पर लाइव। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी हमारे बीच में आ चुकी है, फिर से तान दिया है बहुत दूर 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है घातक। तो कुल मिलाकर रन बने 71 रन और 72 की चुनौती रखी है। आइए हमारे बीच में टेनिस क्रिकेट पेज का चलाने वाले सारा बायोडेटा देते हैं अपने फेसबुक पेज से। माजिद खरबे साहब हैं, उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। माजिद खरबे साहब, आपको हमारी इज्जत अफजाई को कबूल करना है। हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी के हाथों से हम उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, उन्हें पुरखलूस खुलूस आगी जिसे कहेंगे, खुलूस में भरी हुई ये हम शॉल उड़ा रहे हैं, ये गुलाए मोहब्बत पेश कर रहे हैं और ये यादगार ट्रॉफी। खार बनकर ना किसी शख्स की राहों में रहो, खुशनुमा फूल बनो सबकी निगाहों में रहो। बहत्तर रनों की चुनौती और चुनौती बड़ी कमेंट्री के लिए माइक्रोफोन पे आ रहे जिन्होंने बाली ट्रॉफी में रंग भरा, जो भिवंडी प्रीमियर लीग के गवाह बने, कई ट्रॉफीज मेरे साथ कर चुके हैं, सिटी मर्जिंग सिटी BC4 क्रिकेट में अपनी आवाज का जादू जगाने वाले कमेंट्री की जान मजर खान। बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ थाने जिला सिद्दीक भावे सर। और नवीद खरबे साहब हमसे इजाजत ले रहे हैं, हम उनके बहुत ज्यादा मशहूर है जिन्होंने हमने मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर किया। बहुत शुक्रिया नवीद खरबे साहब आपके इस टाउन के लिए, आप ही के टाउन से एफए ट्रॉफी आगे बढ़ रही है। माजिद खरबे को मत भूलिए, ये वो शख्स है जो सारा डेटा अपने फेसबुक अकाउंट पे भिवंडी क्रिकेट का देता है, इंस्टाग्राम पे भी, और पिछला जो बाली ट्रॉफी हुआ उसको अच्छा कवरेज दिया। नवीद खरबे साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में रंग भर दिया मैन ऑफ द मैच देकर। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये डीके 588 है, लग रहा है कि पूरे दिन में कहीं 588 रन ना बना जाए जिस तरह ये बल्लेबाजी कर रही है। हमारे बीच कल्याण से आए हुए हमारे मोजीज मेहमान और रैबर ग्रुप, रैबर वैसे भी रहनुमाई का नाम है और ये वो रैबर ग्रुप है जो फलाह बहबूद के काम में
पूरे महाराष्ट्र में अपना एक नाम रखती है। खेल की शुरुआत हो रही है, लक्ष्य बहुत भारी है। इस मैच की विजेता टीम को पहले दूसरे सेमीफाइनल में यूग 11 मालोडी, व्हाट अ मैच। दोनों टीमें मजबूत है और देखना है कि क्या होनी को अनहोनी में बदल देंगी बल्लेबाजी वाली टीम। आइए सुनते हैं मजहर खान से। बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर। तो दूसरे इनिंग की शुरुआत होने जा रही है और जो टारगेट है एमटीसी स्पोर्ट्स के सामने वो 72 रनों का टारगेट रखा है। लास्ट ओवर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली वहां पर अमोल द्वारा, जहां पर उन्होंने 28 रन निकाले लास्ट ओवर में और महंगे साबित हुए थे लास्ट ओवर में गेंदबाज रिजवान। तो एक अच्छा टोटल यहाँ पर बनाया है डीके स्पोर्ट्स 588 ने। दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं ललित यादव और उनका साथ देने के लिए है अबरार। देखना अबरार अब की बार किसकी सरकार, ये देखना होगा। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल हम देखेंगे, जबकि एक टीम कल फाइनल में पहुंच चुकी है संयुक्त स्पोर्ट्स, ग्रुप ए से संयुक्त स्पोर्ट्स फाइनल में पहुंच चुकी है। अब देखना है कि अब जो तीन टीमें बची है ये दो टीमें और यूग 11 मालोडी, कौन सी टीम वहां पर फाइनल में पहुंचती है और दो दो हाथ लेती है संयुक्त स्पोर्ट्स। लेकिन पहले गेंद के ऊपर विकेट गिरा है ललित यादव, इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। ललित यादव आज जो पूरा दिन गजब के फॉर्म में थे, लेकिन यहां पर बड़े मुकाबले में पहली गेंद के ऊपर आउट होकर वापस लौटते हुए। जिस तरह से शुरुआत चाहिए थे एमटीसी स्पोर्ट्स को, उस तरह से शुरुआत नहीं मिल पाई। पहली गेंद के ऊपर बड़ी मछली जाल में फंसी है और आउट होकर इस वक्त वापस लौटते हुए ललित। जो टारगेट है इस वक्त वो 72 रनों का टारगेट है, लेकिन पहली गेंद के ऊपर विकेट गिर गया है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए मुकेश आयर, मुकेश ने पहली गेंद के ऊपर अपनी टीम को सफलता दिलाई है। नए बल्लेबाज अब आए हैं बबलू, आगे निकलकर इस गेंद को खेला है। वहां पर देखना है वाडिश लॉन्गन की दिशा में अच्छी कोशिश, लेकिन कोशिश आया जाती हुई। इस वक्त एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर और इस एक रन की मदद से बल्लेबाज ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। हालांकि बल्लेबाज ने अच्छी कोशिश की थी, लेकिन लॉन्गन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने उससे बेहतर इस वक्त एफर्ट दिखाया है। एक रन जरूर इस गेंद के ऊपर आता हुआ इस बार सामना करेंगे बबलू। इस बार अराउंड द लेग बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी और विकेटों का फर्नीचर बिखरता हुआ दूसरा विकेट पहले ओवर में इस वक्त गिर चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी हम ये कह सकते हैं कि बैकफुट पर नजर आती हुई एमटीसी स्पोर्ट्स, क्योंकि 72 रनों का टारगेट है और दो विकेट पहले ओवर में गिर चुकी है। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज, दिखाया जा रहा था क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की और गेंद की लाइन जो थी उसको मिस कर बैठे थे वहां पर बल्लेबाज। नए बल्लेबाज अब रिजवान आते हुए, रिजवान ने लास्ट ओवर में काफी रन लुटाए थे, 28 रन उन्होंने लुटाए थे, अब उससे ज्यादा रन उनको बनाना होगा। जब कोई गेंदबाज एक ओवर में 25 फिर या 30 या फिर 28 रन लुटाता है तो फिर कहीं ना कहीं टीम बैकफुट पर नजर आ ही जाती है। वो कारण है कि हम देख रहे हैं पहले ओवर में दो विकेट गिर चुकी है। अच्छी गेंद वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन अतिरिक्त उछाल इस बार मिला था वहां पर गेंद को, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है पहले ओवर में गेंदबाज मुकेश द्वारा। अब तक इस ओवर में चार गेंदे किए जिसमें एक विकेट, दो विकेट हासिल किए और एक रन दिया है। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में एक बार फिर से वहां पर खेल दिया इस गेंद को, लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। सिंगल और डबल से तो अब ज्यादा वैसे भी कुछ काम नहीं बिगड़ने वाला है डीके 588 का। अब बल्लेबाजी वाली टीम एमटीसी स्पोर्ट्स को बड़े हिट की तरफ जाना होगा। इस बार गेंद के पिच तक जाकर खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद वहां पर रही है मुकेश की। तो पहले ओवर की समाप्ति और रन बने हैं दो, दो विकेट गंवाने के बाद।
देखिए तुरंत ही खेल को शुरू करना है क्योंकि इसके बाद एक सेमीफाइनल और एक मेगा फाइनल हमें कराना है। समय के मामले में आपको सहयोग करना है प्लीज। DK588 थोड़ा खेल को आपको फास्ट करना होगा। दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज परनय। पहली गेंद वहां पर परनय की, देखना है बल्ले का ऊपरी सिरा लगा, टॉप एज लगाया, अपने ही फॉलो थ्रू में वहां पर कैच को समाप्त किया है गेंदबाज ने। दूसरे ओवर का खेल अभी शुरू हुआ है और 3 विकेट भी अब गिर चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रही, जिस तरह से गेंदबाजी फ्लॉप नजर आई थी MTC स्पोर्ट्स की। अब बल्लेबाज तो एक के बाद एक जा रहे और एक के बाद एक आ रहे, नए बल्लेबाज अब आया है राशिद, जबकि रिजवान इस वक्त आउट होकर वापस गए है। आगे निकलकर इस गेंद को खेला है वहां पर कवर की दिशा में, देखना है डीप से खिलाड़ी आते, उसी बीच एक ही रन आया इस गेंद के ऊपर। हमारे बीच में मैगी स्पोर्ट्स के शाहिद अंसारी साहब आ चुके हैं। मैं शाहिद भाई आपसे गुजारिश है कि आपको हमारी VIP डाइस पे आना है। शाहिद अंसारी साहब इस वक्त हमसे जुड़ने जा रहे हैं। इस बार देखना है वहां पर ऊंचाई बहुत ज्यादा थी लेकिन लंबाई कम रही थी, इस बार एक ही रन इस गेंद के ऊपर। पर नहीं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त। एक बार फिर से वहां पर आगे निकलकर खेलने की कोशिश की है बल्लेबाज ने, गेंद के लाइन को समझ नहीं पा रहे वहां पर बल्लेबाज, वही कारण है कि बहुत दूर से गेंदों को खेलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेंद और बल्ले का किसी भी तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दूसरे ओवर का खेल हम देख रहे हैं, अब तक सिर्फ 3 ही रन जोड़ पाई है MTC स्पोर्ट, जबकि 3 विकेट भी गिरी है। हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों बल्लेबाज सिर्फ स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। इस बार देखने पुल करने की कोशिश की इस गेंद के ऊपर लेकिन सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए उस गेंद के ऊपर। अब तक जितने भी रन बने हैं ज्यादातर रन सिंगल में ही बने हैं, जितने भी हैं सब सिंगल। 2 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 6, 3 विकेट गंवाने के बाद। अभी भी यहां से बहुत ज्यादा रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बोल्ड कर दिया वहां पर पहली गेंद के ऊपर, बेल्स को ट्रिप कर कर गेंद निकल गई और इस वक्त विकेट नंबर 4 का पतन होता हुआ। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अमूल को बुलाया गया और ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज। बल्ले और पैड में बहुत ज्यादा गैप बन गया था और विकेटों से जाकर गेंद टकराई है, तो 4th विकेट इस वक्त गिरा है MTC स्पोर्ट्स का। नए बल्लेबाज अब आए हैं मोहित।
जबकि अभी भी वहां पर अबरार मौजूद है। अबरार ने अब तक 5 गेंदों का सामना किया जिसमें सिर्फ 3 ही रन बनाए उन्होंने। अमूल ने बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया की थी लास्ट ओवर में, जिस तरह से रिजवान के अगेंस्ट उन्होंने 28 रन निकाले थे और पहली गेंद के ऊपर अब विकेट भी हासिल किया है। इस बार देखना है वहां पर वाइडिश लॉन्गन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया और पहला बड़ा हिट आता हुआ गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। 4 रन इस गेंद के ऊपर स्कोर 4 रनों की मदद से अब 10 पर जा पहुंचा है। इस बार देखना है पंच किया वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई डीप में, वहां खिलाड़ी मौजूद है जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच रन लिए कि नहीं लोगों ने रन नहीं लिए वहां पर एक रन लिया है। फिर से आगे निकलकर खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने। अशोक वर्मा की कल टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है एमजे स्पोर्ट्स। हालांकि कल अशोक वर्मा ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी लेकिन एक खिलाड़ी तो अपनी टीम को वैसे भी नहीं जिता सकता है। लेग बाय के रूप में एक रन आता हुआ हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर परेश महाजन सर और भाव पाटिल सर, जबकि हमारे दो और अन्य एम्पायर है गोकुल पाटिल सर और शकील कोठी सर। और ये सारा लेखा जोखा इस वक्त आपको प्रिंस मूवी पर दिखाया जा रहा है, किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज। अबरार की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला अभी ये चलता हुआ। एमटीसी स्पोर्ट्स पहले गेंदबाजी में फ्लॉप रही और अब बल्लेबाजी में पूरी तरह से फ्लॉप होती हुई। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बड़ा मुकाबला हम देखेंगे, सेमीफाइनल का मुकाबला जहां पर दोनों टीमें बिल्कुल बैलेंस रहेंगी। युग 11 मालोड़ी जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और अब लगभग ये तय हो गया है कि इस मुकाबले को जीतती हुई DK 588 तो एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन फाइनल की हम बात करें तो फाइनल में कल पहुंच चुकी है संयुक्त स्पोर्ट्स। इस बार घूमकर खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने और तो 5 रन इस गेंद के ऊपर लेग बाय के रूप में ये 5 रन आते हुए। अब रन कैसे भी आए आना जरूरी है लेकिन बहुत ज्यादा अभी भी रन चाहिए। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब तन्मय आए हैं। 5 गेंदें और बची है एमटीसी स्पोर्ट्स की इस टूर्नामेंट में। स्विंग करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने लेकिन पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस कर बैठे वहां बल्लेबाज। एक और अच्छी गेंद वहां पर तन्मय की। सोनू एक बार फिर से वहां सामना करते हुए लेकिन एक बार फिर से अंधाधुन बल्ला घुमाया वहां बल्लेबाज ने और ये देखिए करे कल्लू और भरे लल्लू विकेट गिरा है वहां पर। FA ट्रॉफी 2022 ऑर्गेनाइज बाय स्टार चैलेंजर ग्रुप अब तक लेकर है फाइक अंसारी और रसम मोमिन हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर ये टूर्नामेंट जिसका आज का दूसरा दिन और फाइनल डे है इस टूर्नामेंट का। और इस वक्त हमारे बीच में
हमारे बीच में अहमद गुलजार कामले साहब मौजूद है जो रहबर ग्रुप के प्रेसिडेंट है। इस बार देखना ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए गेंद तक पहुंच तो गए थे वहां पर, लेकिन एक बार फिर से देखना है विकेट गिरता हुआ। एक गेंद पर आप दो बार नहीं बच सकते, क्या छूटा लेकिन रन आउट हो गए वहां बल्लेबाज। मुस्लिम भाई काफी निराश नजर आ रहे हैं अपनी टीम की हार से, अपने जज्बातों को इस वक्त दिखाते हुए मुस्लिम भाई। हालांकि उनकी एक टीम फाइनल में पहुंच चुकी है संयुक्त स्पोर्ट्स। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है डीके 588 ने और सेमीफाइनल में पहुंचती हुई। युग 11 मालोनी के कैप्टन टॉस के लिए आना है आपको तुरंत ही। युग 11 मालोनी के कैप्टन आइए, इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है अमूल। युग 11 मालोड़ी के कैप्टन टॉस के लिए आपको तुरंत ही आना है। युग 11 के कैप्टन और डीके 588 के कैप्टन मैन ऑफ द मैच अमोल, आपको भी प्रेजेंटेशन में ही आना है। और मैं आज के हमारे मौजूद मेहमान और रैबर ग्रुप कल्याण के प्रेसिडेंट अहमद गुलजार कामले साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको हमारे टॉस बॉक्स और प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है। पूरे ग्रुप से मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी को आना है, हमसे जुड़ जाना है, क्योंकि आप फलाह बहबूद के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ये आपका क्रेडिट है। डॉक्टर शहबाज साहब मोस्ट वेलकम, डॉक्टर प्रवीण साहब आपका भी हार्दिक स्वागत, खालिद अंसारी साहब आपका भी स्वागत है, सदफ शेख शादाब शेख साहब आपका भी स्वागत है। ये तमाम आइए, ये गिफ्ट टेम्पर देखिए, दो डॉक्टर हमारे साथ है, ये हमारे लिए खुश किस्मती की बात है। इंग्लिश की एक कहावत है कि डॉक्टर को दोस्त जब नहीं बनाना चाहिए जबका रिश्ता आपका मरीज का हो। ये देखिए प्रेसिडेंट वहाँ पर ये ट्रॉफी देते हुए, बहुत धन्यवाद। सभी को रुके रहना है क्योंकि हम टॉस करेंगे। अमल ये बताइए कि सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में टीम जिस तरह खेल रही है, एज अ प्लेयर आप सेटिस्फाई? बहुत बढ़िया खेल रहे सब लोग, मेरे चार पांच मैच में बैटिंग खराब हो रही थी, अभी इस टूर्नामेंट में अच्छा खेला। क्या लगता है सेमीफाइनल में यूग 11 को हरा देंगे? हराने चाहे